क्या आप प्लास्टिक पचा सकते हैं या यूं कहें प्लास्टिक डाइजेस्ट कर सकते हैं? आपका जवाब यकीनन होगा नहीं, तो हम फिर खा क्यों रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक रोटी में आपका स्वागत है और आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। आज मैं महत्वपूर्ण तीन चीज़ों पे बात करना चाहूँगी। नंबर एक है आटा, नंबर दो है हमारे तेल और नंबर तीन है हमारे मसाले। हम जाने अनजाने इन तीन चीज़ों के साथ कितना प्लास्टिक अपने साथ अपने शरीर में डाल लेते हैं, आज हम उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। हम लोग अपनी सहूलियत के लिए घर के पास वाली दुकान से ही ये सामान ले आते हैं अपने घर में और इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम जो खाने पीने की चीज़ें प्लास्टिक में लेके आए हैं, उस खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक के रैपिंग से बाहर निकाला और ख़त्म बात। पर वाकई क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो अभी जो आपके जूस की बॉटल या तेल की बॉटल ख़त्म हुई है तो जाइए उसकी महक लेके देखिए। उसमें तेल की चाहे एक बूंद ना हो लेकिन तेल की महक उस बॉटल में से साफ आ रही होगी। कारण, प्लास्टिक जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं जिन छिद्रों में तेल हमारा अटक जाता है, और उतना ही छोटा 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 टुकड़ों में कटा हुआ प्लास्टिक हमारे तेल में भी ऐड हो जाता है और जो जाने अनजाने में हम अपने खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ खा लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत गहरी बात है, पर इसका हल बहुत आसान है। जैसे कि इन सभी चीज़ों का ताज़ा विकल्प जो है वो है हमारे पास आटा चक्की में जाने का। एक फ़ायदा तो ये है कि हमें प्लास्टिक फ्री चीज़ें मिलती हैं, और दूसरी वो चीज़ें मिलती हैं जो वाकई हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। शुरुआत करना चाहूँगी मैं आटे के साथ। आटा हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से घर की पास वाली राशन की दुकान से प्लास्टिक के पैकेट में ले आते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। पर क्या वाकई पूरा हो गया? हम जो आटा लेके आए हैं क्या हमें मालूम है वो कितने महीने पहले पिसा हुआ है? और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 15 दिन के बाद पिसा हुआ आटा अपनी गुणवत्ता खोने लगता है, तो अगर वो 2 महीने या 4 महीने पुराना आटा भी है तो वो आपके पेट को जाके अपच ही देने वाला है या गैस्टिकेशन ही करने वाला है। अब आप सोचते होंगे कि इसका पक्का हल क्या है? पक्का हल यही है कि हम एक ऐसा अनाज खाएं जो हमारे पेट हमारे शरीर को ताकत दे, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू एकदम हाई हो, और वो तभी मुमकिन है जब वो एकदम ताज़ा पिसा हुआ हो। गेहूं की गुणवत्ता मैं मानती हूँ इस चीज़ पे फ़र्क डालती है, पर उससे ज़्यादा महत्व की जो चीज़ है कि वो कितना पहले पिसा हुआ है, कितना पुराना पिसा हुआ है। अगर ये बात उतनी ही सही होती कि पिसे हुए आटा चाहे 1 महीना या 2 महीने या 4 महीना पड़ा होता, तो हमारे जो दादा दादी हैं वो 6 महीने का आटा इकट्ठा ही पिसवा लेते, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वो एक साल का गेहूं इकट्ठा खरीद लेते थे, लेकिन पिसवाते आटा थोड़ा 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 करके ही थे जो उनके 15-20 दिन की ज़रूरतों को पूरा करे। हम वही एक चीज़ को खाली छोड़ दे रहे हैं या उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं जिसका कारण हमें आज अपच के रूप में मिल रहा है। और दूसरा, जब वो प्लास्टिक पैकेजिंग में होता है तो प्लास्टिक थोड़ा बहुत, मैं जानती हूँ वो आप बोलेंगे कि बहुत ही मामूली है, उतना सा प्लास्टिक हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, मैं ये चीज़ आप पे छोड़ना चाहती हूँ। पर वो 101% मैं इस चीज़ को दावे के साथ बोल सकती हूँ कि वो थोड़ा बहुत प्लास्टिक तो उस आटे में घुलता ही घुलता है। उसके ऊपर धूप का असर होता है, उसके ऊपर ह्यूमिडिटी का असर होता है प्लास्टिक के ऊपर, तो वो थोड़ा बहुत तो पिघलता ही है। हमें वो दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता, लेकिन वो होता ज़रूर है। दूसरी चीज़ है हमारी तेल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तेल की शीशी में से वो बास रह जाती है, तो आज आप किसी भी ब्रांड का तेल ले लीजिए या कुछ भी ब्रांड का तेल ले लीजिए, ये चीज़ फ़र्क नहीं डालती है, लेकिन हर ब्रांड के तेल में कुछ ना कुछ तो मिलावट है ही। और दूसरी तरफ आपको मिल रहा है विकल्प कि आटा चक्की जाके आप बिल्कुल आप ताज़ा तेल निकलवा सकते हैं, चाहे वो सरसों हो तिल का तेल हो या मूंगफली का तेल हो या नारियल का तेल हो, किसी भी तरह का तेल आप ताज़ा निकलवा सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक दूसरा पहलू भी है कि आप उस तेल को, जो अच्छा तेल निकला हुआ है, उसको किस तरह के डिब्बे में रखना चाहेंगे, स्टील में रखना चाहेंगे, प्लास्टिक में रखना चाहेंगे, कांच के बॉटल में रखना चाहेंगे या किस तरह के। मैंने अपना तेल प्लास्टिक में रखना बंद कर दिया है, ये मैं इस तरह की कांच की बॉटल्स में अब तेल अपना रखना शुरू कर दिया है ताकि मेरे परिवार के खाने में प्लास्टिक ना घुले, सिर्फ तेल घुले। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी चीज़ की ओर, जो है मसाले। आयुर्वेद में कहीं पे भी मसाले शब्द नहीं है। धनिया, जीरा, इलायची, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके लिए जो शब्द है वो है औषधि। जो चीज़ें हम मसालों के तौर पे देखते हैं आयुर्वेद में, उन चीज़ों का
स्थान बहुत ऊंचा है, उन्हें औषधि कहा गया है। पर उस औषधि की गुणवत्ता हमें तभी मिल सकती है जब हम उसको बिल्कुल ताज़ा इस्तेमाल करें, या यूँ कहें कि उनको जब पिसने के बाद जितना ताज़ा हो सके उतना ताज़ा इस्तेमाल करें। आज जो हम पैकेट में जो मसाले लेके आते हैं, हमें नहीं मालूम कि वो कितने पुराने हैं, और सबसे बड़ी बात हमें नहीं मालूम कि उसमें किस तरह की मिलावट की गई है। मैं पिछले 5 साल से साबुत मसाले ला रही हूँ और घर में पीस रही हूँ। यकीन मानिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इन सब चीज़ों पर। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे हुआ कि एक, मुझे वो प्लास्टिक फ्री मिल रहे हैं, नंबर 2 मिलावट फ्री मिल रहे हैं, नंबर 3 अब मेरे पास विकल्प है कि मैं उन्हें किस तरह के डिब्बे में रखना चाहूँगी। मैं उन्हें इस तरह के स्टील के डिब्बों में भी रख सकती हूँ, मैं उनको इस चीनी मिट्टी के बर्तनों में भी रख सकती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मेरा गर्म मसाला है जो कि बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है, और इसमें मेरा धनिया है जिसमें से अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये तकरीबन 15 दिन पहले का पिसा हुआ है। अब में से कई लोग सोचते होंगे कि घर में अगर मसाले पीसो तो वो थोड़े मोटे रह जाते हैं। अगर वो मोटे रह जाते हैं तो सब्जी में अगर आप डालेंगे तो खास फर्क आपको महसूस नहीं होगा। जितना मसाला पतला पिसता जाता है या जितना मसाला बारीक पिसता जाता है, उसकी गुणवत्ता भी उतनी ज़्यादा ख़त्म होती जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों को उस तरह से देखिए जिस तरह से हम उनमें से मैक्सिमम न्यूट्रिशनल अपने फैमिली को दे सकते हैं, या सबसे अच्छी गुणवत्ता की चीज़ हम अपने परिवार को दे सकते हैं। भोजन सिर्फ एक जुबान या आँखों को तसल्ली देने वाली चीज़ नहीं है, पर सबसे बड़ी चीज़ जो भोजन में है कि वो हमारे पेट को कितनी तसल्ली दे रहा है। अगर वो हमारे पेट में जाके गैस या बदहजमी या खट्टे टकार या ऐसी चीज़ें ही पैदा कर रहा है तो हमें दोबारा से सोचना चाहिए। आप और किसी की ना सही, पर कम से कम अपने पेट की तो सुनिए, कम से कम अपनी सेहत के लिए तो सुनिए। आप यकीन कीजिए, ये चीज़ें आपको जितनी मुश्किल लग रही हैं उतनी मुश्किल नहीं हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से हमें एक बार कार चलानी आ गई तो उसके बाद फिर कार चलाना कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती है, मुश्किल चीज़ नहीं लगती है। एक बार हमारा बस तालमेल बैठना चाहिए, एक बार जो माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन है वो बैठना चाहिए। अगर वो एक बार कोऑर्डिनेशन या आपके तालमेल वो बैठ गया हमारा, तो उसके बाद कार चलाना जिस तरह से मुश्किल नहीं है, उसी तरह से अगर हमें एक अच्छी आटा चक्की जिस तरह से मिल गई, और एक दो बार अगर हमने उस चीज़ को खरीदारी उस तरह से कर ली, तो तीसरी बार आपको वो खरीदारी नॉर्मल ही लगेगी। तीसरी बार आपको वो इस तरह ही सही लगेगा जैसे घर से बाहर जाते हुए हम लोग अपना पर्स चेक करते हैं कि हम लोगों ने पैसे लिए या नहीं लिए। उसी तरह से आप चेक करेंगे, मैं राशन लेने जा रहा हूँ तो क्या मैंने अपने कॉटन बैग्स लिए या नहीं लिए। तो शुरुआत कीजिए, मैं आपको हर कारण दे रही हूँ, आप चाहे वो आपकी सेहत से ताल्लुक रखता हो या एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखता हो, यकीन मानिए आप शुरुआत करके देखिए, आपको पक्का फ़ायदा होगा। अगर आप किसी समस्या में हैं या आप अभी भी इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कि आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफाई कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाएँ। शुक्रिया।